मेल जीन आल्सो, ठीक है। हाँ, अब आप ये एक ये भी हो सकता है, मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हाइब्रिड बनता है तो इट विल अफेक्ट इम्ब्रियो, ये इम्ब्रियो अफेक्टेड होगा, ये सीड नहीं, ये तो सीड का पार्ट है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में ये भी अफेक्टेड होगा, सीड का पार्ट भी अफेक्टेड होगा। मीन्स इफेक्ट ऑफ मेल जीन मे बी सीन इन सीड आल्सो। अब इस इफेक्ट को एक नया नाम देते हैं, जीनिया इफेक्ट। जीनिया इफेक्ट, अगर किसी फ्रूट्स में कई सीड एक साथ हैं और अलग अलग पालन ग्रेन से पॉलिनेट हुए हैं, मक्का का एग्जाम्पल ले लीजिए, मेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मेज में आपको मल्टी कलर्ड ग्रेन मिलते हैं, कभी कभी लाल रंग का दाना, पीला रंग का दाना, डार्क कलर, लाइट कलर, ये जो अलग अलग कलर के जो ग्रेन्स मिलते हैं ये ड्यू टू जीनिया इफेक्ट, ड्यू टू जीनिया इफेक्ट। अंजीर में कई रंग का अंजीर मिलता है जीनिया इफेक्ट के कारण, तो दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेल गैमिट। तो इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ मेल जीन ऑन एंडोस्पर्म आल्सो ऑन सीड आल्सो, एंड एंडोस्पर्म इज मोर मैसिव सिंस इट इज ट्रिप्लॉयड। तो अगर आपको पूछता है, दो तीन पॉइंट लिखने को होते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप दो पॉइंट तीन पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एंडोस्पर्म विल डेवलप एज सून एज इम्ब्रियो इज फॉर्म, एंडोस्पर्म डेवलप एज सून एज इम्ब्रियो इज फॉर्म, नंबर वन पॉइंट, दैट्स व्हाई देयर इज नो वेस्टेज। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म हैज थ्री यंग कंडीशन ट्रिप्लॉयड एंड सच एंडोस्पर्म इज मैसिव मोर न्यूट्रिटिव। और तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन दिस एंडोस्पर्म विल कैरी मेल जीन आल्सो, इसमें मेल जीन का भी प्रभाव पड़ेगा। दो बातें तीन बातें जो समझ में आती हो वो आप बता देंगे डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप, डेफिनेशन मैंने बता दिया, फिर इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे। वन पॉइंट सिग्निफिकेंस, टू पॉइंट सिग्निफिकेंस, अगर आप दो पॉइंट भी लिख देते हो तो बहुत है। एंडोस्पर्म थ्री एन है, मैसिव होगा, एंडोस्पर्म जो है मेल जीन को कैरी करेगा, सीड पर भी मेल जीन का असर होगा, और एंडोस्पर्म तभी बनेगा जब इम्ब्रियो बनेगा। मीन डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इट विल टेक साइमल्टेनियसली, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ऑलरेडी फॉर्म, इट हैज टू वेट द पॉलिनेशन, इफ पॉलिनेशन फेल देन नो इम्ब्रियो विल फॉर्म एंड दैट एंडोस्पर्म विल बी यूजलेस। आई थिंक इतनी बात बहुत हो जाएगी। अब बात करें थोड़ा सा तो एंडोस्पर्म की बात करें, एंडोस्पर्म की बात करें, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो एक एंडोस्पर्म होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
दूसरे को बोलते हैं हेलोबियल, और तीसरे को बोलते हैं सेलुलर। सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में भी आएगा ये, इसका डायग्राम थोड़ा जान जाएंगे काम चल जाएगा। एंडोस्पर्म क्या है? जो सबसे कॉमन एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है लेट अस सी। तो जरा एक डायग्राम बनाते हैं। ये डाइगोट है, ये पीएन न्यूक्लियस है, पीएन न्यूक्लियस है। क्या होगा अब यहीं से समझ लो। ये पीई न्यूक्लियस जो है रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये डायग्राम नंबर अगर वन हो गया तो डायग्राम नंबर टू क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस बन गए, डायग्राम नंबर टू हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा। इसके बाद क्या होगा? ये तो आपका एम्ब्रियो ग्रो करेगा ही, ये न्यूक्लियस ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे एंड देन दे मूव ये पेरिफेरी की ओर मूव करेंगे। न्यूक्लियस बाहर की ओर मूव करेगा, जिससे क्या होगा? बीच में वैक्यूल बन जाएगा। कभी कभी इतना जो बन रहा है इसको बोलेंगे सिनोसिटिक फेज। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लियर फेज। ये कौन सा एंडोस्पर्म है? ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। व्हाट हैपेंस? पीईएन अंडरगोस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन दीज न्यूक्लियाई दे मूव टुवर्ड्स पेरीफेरी। ये आपका पेरीफेरल रीजन है, दे मूव टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड आफ्टर दिस। अब यहां तक हो गया सिनोसिटिक फेज। After this wall formation, the cellular phase starts. Diagram number 3 हो जाएगा। Diagram number 3 हो जाएगा।